बद्री प्रसाद पटेल शासकीय स्कूल के शिक्षक ट्यूशन पढ़ाकर कर रहे गुजारा। शोभापुर कन्याशाला के शिक्षक बद्री प्रसाद पटेल को शासन की ओर से लगभग 1 लाख के आसपास मानदेय प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी माननीय शिक्षक को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करना पड़ रहा है। मीडिया कर्मियों द्वारा सुबह 6:30 बजे शिक्षक के ट्यूशन सेंटर पर पहुंचकर देखा गया, तब शिक्षक कहते नजर आए कि अगर आपको गलत लगता है तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। शिक्षक ने यह बात भी स्वीकार की है कि वह सालों से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं एवं मीडिया कर्मियों से खबर प्रकाशित न करने के लिए भी कहने लगे। सूत्रों के अनुसार कुछ इस तरह भी पढ़ा जाता है, जैसे एक शिक्षक दूसरे स्कूल के बच्चों को पढ़ता है तो दूसरा शिक्षक पहले स्कूल के शिक्षक के बच्चों को ट्यूशन देता है। इस प्रकार की सेटिंग कर प्रशासन को धोखे में रखा जा रहा है। शासकीय शिक्षक बद्री प्रसाद पटेल द्वारा मीडिया कर्मियों हस्तक्षेप के बाद परिवार का इतिहास बताने लगे एवं बार बार खबर प्रकाशित न करने के लिए भी कहते रहे। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जी मगर मैं सर जो पढ़ाता हूँ ना अपने स्कूल के बच्चों को भी नहीं, नहीं वो बात नहीं है, मगर नहीं चला रहा है ना, अब बंद कर देंगे वो तभी कर देते हैं। बनती है ये आपको लग रहा है, वे तो केवल मेरा फायदा ये है दूसरे बच्चों को गोल मिल जाए, कभी मेरे जीवन का उद्देश्य बता रहा हूँ। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चे भी पूछ लेना, कभी मेरे स्कूल के बच्चे मेरे पास छोटी नहीं है, केवल मेरे टैलेंट का फायदा है दूसरे बच्चे लेना चाहते। ठीक है मगर सर यार इसमें क्या होता है कि नकारात्मक असर पड़ता है। चलो आज से बंद, दोनों क्लासें हैं तो आप सुबह शाम दोनों स्टेप। नहीं सुबह शाम नहीं पढ़ाता, केवल सुबह पढ़ाता हूँ एक बैच 10वीं का और एक, और मेरे तो आप लोगों को बताऊँ भगवान की दया से मेरे दोनों बेटे गवर्नमेंट एग्जाम में। और आप लगभग कितने 2-3 साल से पढ़ा रहे ना? हाँ मगर मेरा बता रहा हूँ मेरे तो दोनों बेटे एग्जाम में, मैं तो केवल और केवल ये बच्चे हाथ जोड़ते रहते, बाकी अपने लिए भगवान ने खुद दिया। आप कहो तो आज से ही बंद। नहीं नहीं यदि आपको लग रहा हो कि मैं यार गलत कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत क्या है हम जानकारी मिली थी तो हम मिल लें एक बार। नहीं नहीं अब रही बात खबर लीजिए, प्रकाशित करेंगे फिर मिलते हैं। नहीं प्रकाशित मत कीजिए, हम बंद किए थे। नहीं ठीक है प्लीज प्रकाशित मत कीजिए। नहीं वो तो नहीं प्लीज सुनिए हम कर देंगे बंद। खबर भारत वर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।